मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एशिया के एक ऐसे मुल्क की जिसके शायद आप लोग नाम से भी वाकिफ ना होंगे। यानी आज मैं आप लोगों को तैमूर लिस्ट के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तैमूर लिस्ट पर बनाई जाने वाली ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। लेकिन मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही सैर व सियाहत और दिलचस्प मालूमात की वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, तैमूर लिस्ट पर इंसान की आबादकारी 3000 कबले मसीह में उस वक्त हुई जब इंडो चाइना से कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जजीरे नुमा खित्ते पर आबाद हुए। 16वीं सदी में जब पुर्तगेजी मशरकी एशिया के इन ममालक की तरफ काबिज हुए तो ये छोटा सा जजीरा भी इनकी निगाहों से ना बच सका और पुर्तगेजी हुकूमत ने 1702 ईस्वी को तैमूर के इस जजीरे पर अपने झंडे गाड़ दिए और इस सल्तनत का नया नाम पुर्तगेजी तैमूर कर दिया गया। 28 नवंबर 1975 को पुर्तगेजी तैमूर को आज़ादी दे दी गई। आज़ादी को अभी 9 दिन हुए थे कि इंडोनेशिया ने इस नए आज़ाद मुल्क जिसका नाम तैमूर लिस्ट रख दिया गया था पर काबज हो गए। मगरबी ताकतों ने इंडोनेशिया का साथ दिया और आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले हर शख्स को मार दिया गया। आखिरकार 1999 में अक्वामे मुतहिदा के आने से इस खाना जंगी का खात्मा हुआ और इंडोनेशिया को रेफरेंडम के लिए रजामंद किया गया। मगरबी तैमूर के लोगों ने इंडोनेशिया के हक में वोट दे दिए जबकि मशरकी तैमूर के लोगों ने तैमूर लिस्ट की आज़ादी के लिए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि लिस्ट पुर्तगेजी जुबान में मशरक को कहा जाता है। अगर तैमूर लिस्ट और मशरकी तैमूर की बात हो रही हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एक ही मुल्क के दो अलग अलग नाम हैं। यूं 20 मई 2002 को मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया से आज़ादी नसीब हुई। दिल्ली को मशरकी तैमूर का दारुल हुकूमत बना दिया गया और दिल्ली ही मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा शहर है। 15,410 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह छोटा सा मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 155वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इस छोटे से मुल्क की आबादी 12,26,000 अफराद है, जो इसे आबादी के हवाले से दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क बनाती है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी तैमूर की कुल आमदनी 2.498 बिलियन डॉलर थी। बेशक ये एक छोटा सा मुल्क है, मगर खुशहाली इन लोगों का मुकद्दर बनी हुई है। तेल, गैस और सियाहत के शोबे से ये मुल्क तरक्की पा रहा है। मशरकी तैमूर में औसतन फीकस मजमुई आमदनी 5,489 डॉलर है, जो इसे दुनिया के 124वें नंबर पर लाती है। मशरकी तैमूर की करंसी को अस्कोदो कहा जाता है, मगर इस करंसी का मशरकी तैमूर में ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली दो मशहूर करंसियाँ अमेरिकन डॉलर और इंडोनेशियन रुपया है। मशरकी तैमूर का कॉलिंग कोड +670 है और डोमेन नेम TL है। मशरकी तैमूर पाकिस्तान से 7,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। पाकिस्तान के शहर लाहौर से मशरकी तैमूर के दारुल हुकूमत दिल्ली तक जाने के लिए 9 से 9.5 घंटे लग जाते हैं। पाकिस्तानियों और भारतीयों को मशरकी तैमूर में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहां पहुंचने पर वीज़ा लगा दिया जाता है। यानी इन ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तियाब है। मशरकी तैमूर में मर्दों की औसतन उम्र 66 साल जबकि औरतों की औसतन उम्र 70 साल है। मशरकी तैमूर की आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद ऑस्ट्रोनेशियन लोगों की है, इसके बाद पापवान लोगों की,
फिर छोटी सी तादाद चीनी और पुर्तगेजी लोगों की भी आती है। मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा मजहब मसीहत का फिरका रोमन कैथोलिक है, जिसे मुल्की आबादी का 97.6% लोग मानते हैं। 2% लोग मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखते हैं, 0.2% मुस्लिम, जबकि 0.2% दीगर मजहब के मानने वाले हैं। तालीम की शरह भी दीगर कई ममालिक के मुकाबले में बहुत कम थी, अलबत्ता अब इस तरफ आलमी इदारों की कोशिशों से तवज्जो दी जा रही है। पुर्तगेजी जब इस मुल्क को छोड़कर गए थे तो तालीम की शरह 97% थी। फिर मुल्क इस तरह खाना जंगी के हालात से गुजरा कि तालीम दूर होती गई और ये शरह तालीम 30% तक आ पहुंची। 2002 में मिलने वाली आज़ादी के बाद से तालीम पर भरपूर तवज्जो दी गई है, जो इसे दोबारा 70% तक ले गई है। मशरकी तैमूर में हर औरत औसतन 6 बच्चों को जन्म देती है। 1975 में जब पुर्तगेजी इस मुल्क को छोड़कर गए थे तो पूरे मुल्क में सिर्फ 2 हॉस्पिटल और 14 विलेज हेल्थ सेंटर कायम थे। 1994 तक हॉस्पिटल 11 और विलेज हेल्थ सेंटर 330 हो गए थे। मशरकी तैमूर दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी की जाती है। यहां के 61% मर्द हजरात सिगरेट नोशी करते हैं, जबकि ओवरऑल 33% मर्द और औरतें सिगरेट नोशी करते हैं। मशरकी तैमूर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान को तैतून कहा जाता है, जिसे मुल्की आबादी का 36% लोग इस्तेमाल करते हैं। तैतून और पुर्तगेजी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा भी हासिल है, जबकि दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में मम्बाई, मकासाई, तूतोम, गलोली, बनाक और केमिक ज़्यादा अहम हैं। मशरकी तैमूर एक पहाड़ी इलाका है और पानी यानी दरिया और नदी नाले यहाँ ना होने के बराबर हैं। नैनो कोनी सांताना नेशनल पार्क पहला और वाहद नेशनल पार्क है, जो 1236 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। यह पार्क 3 अगस्त 2007 को बनाया गया था, जहाँ पर सैकड़ों इकसाम के परिंदे और जानवर दीगर ममालक से खरीद कर लाए गए थे ताकि सियाहों की तवज्जो हासिल की जा सके। चूंकि ये मुल्क 2002 में आज़ाद हुआ था, इसीलिए ये दुनिया के सबसे नए बनने वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरी जमहूरिया मशरकी तैमूर है। मशरकी तैमूर जब आज़ाद हुआ तो ये दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता था, मगर इसकी मेहनती कौम ने इस मुल्क पर खुदा के दिए हुए एहसान यानी ज़रई ज़मीन का इस कदर फ़ायदा उठाया कि चंद ही सालों में इस मुल्क की तकदीर बदलने लगी। इस मुल्क ने खुदा के दिए हुए कुदरती हुसन से भी बहुत फ़ायदा उठाया है। चंद ही सालों में सियाहों को इस कदर मतवज्जो किया कि 2017 में इस मुल्क में तकरीबन 21,000 लोगों ने सफ़र किया था। अब होटलों और रेस्टोरेंट पर बहुत तवज्जो दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहों को अपने मुल्क में रखा जा सके। इस मुल्क की मशहूर खेलों में टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग शामिल हैं। मछली, टमाटर और सब्ज मिर्च को केले के पत्ते में बांधकर उबाला जाता है। इकान पीपल्स के नाम से इस डिश को मशरकी तैमूर की सबसे पसंदीदा और सरकारी डिश कहा जाता है। मशरकी तैमूर एशिया के उन 2 ममालिक में शुमार किया जाता है जहां मसीही आबादी सबसे ज़्यादा है। इन 2 ममालिक में मशरकी तैमूर के अलावा दूसरा मुल्क फिलिपाइन है। मशरकी तैमूर की तैमूर जजीरे पर सरहद इंडोनेशिया से भी मिलती है, जबकि बाकी 3 अतराफ़ से यह मुल्क समुंदर से घिरा हुआ है। मशरकी तैमूर के लोगों को तैमूरी और माउबेरी के नाम से पुकारा जाता है। मशरकी तैमूर में ज़्यादा इकसाम के जानवर तो नहीं पाए जाते, अलबत्ता पानी में रहने वाली भैंसें, बंदर, हिरन, पिग, घोड़े, मगरमच्छ, बकरियां, गाय, भेड़े, खरगोश, मुर्गियां, बतखें और चमगादड़ें बआसानी मिल जाती हैं। ज़राअत के हवाले से इस मुल्क में सोयाबीन, कहवा, केले, आम, वनीला, चावल, आलू, मकई, कसावा और शकरकंदी की ज़्यादा काश्त की जाती है। दोस्तों, यह थी मशरकी तैमूर के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो
तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज़ न भूलें। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश किया करूंगा और आपके बताए हुए तरीकों से वीडियोज़ में बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।